नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर सर्राफा व्यापारी राजेश गुप्ता को मारी गोली। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एसएसपी ने कहा घटना के खुलासा के लिए बनाई गई है कई टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। सीएम योगी के हाथों मिलेगा शहर को पहले 6 लेन फ्लाईओवर का तोहफा। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से टीपी नगर से पैडलेगंज तक बनेगा फ्लाईओवर। जाम की समस्या का होगा समाधान। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत सभी नागरिक अपने घरों पर लगाएं कैमरा। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा हर घर कैमरा लगाने के लिए मौके पर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक, बताया जा रहा है कैमरे की उपयोगिता। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। संपन्न ने कहा जनपद में चिन्हित 10 ब्लैक स्पॉट्स को 10 दिनों के अंदर दुरुस्त करने का संबंधित विभागों को दिया गया निर्देश। गोरखपुर जोन पुलिस हिस्ट्री शीटरों का कर रही है सत्यापन। 2 वर्ष तक अपराध ना करने वाले अच्छे आचरण वाले अपराधियों के हिस्ट्री शीट को पुलिस खत्म करने पर करेगी विचार। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए कुल 6 मैच। जिला क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने दी जानकारी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 112 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एडीजी ने कहा कैमरों से अपराध पर लगेगा विराम, अपराधियों में अपराध करते समय डर रहेगा व्याप्त। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 4 दिसंबर को होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की वजह से 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सभी वाहनों के रूट को किया गया डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। महिला थाने का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कार्यालय बैरक हेल्प डेस्क का लिया जायजा। एडीजी जोन ने एसएसपी को महिला थाने पर काउंसलर बढ़ाने के दिए निर्देश। और भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह को 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया करेंगे उद्घाटन। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा संस्थापक सप्ताह समारोह। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 10 दिसंबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एमपी कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गुलहरिया थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी की दुकान में बदमाशों ने घुसकर दुकान मालिक को गोली मार दी। घटना शाम 5 बजे के करीब की है। एक बाइक पर सवार 2 बदमाश ने दुकान में घुसकर दुकान मालिक राजेश गुप्ता को गोली मारकर फरार हो गए। सर्राफा व्यापारी राजेश गुप्ता की गुलहरिया थाना क्षेत्र के चंबल घाटी चौराहे पर सूर्यांश ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी की दुकान है। 2 अज्ञात बदमाश उनकी दुकान में घुसकर उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गुलहरिया थाने की पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया जहां सर्राफा व्यापारी की हालत स्थिर है। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी जोन अखिल कुमार और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि घटना की हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा सारा
एरिया समझ गया, इंटीरियर का है आपका, कौन सा गांव पड़ता है? जंगल डूमरी नंबर एक, जंगल डूमरी नंबर एक, चंबल घाटी। चंबल घाटी सर, बड़ा गांव है जी सर, जंगल डूमरी नंबर एक के कई टोले हैं सर, बड़ा ग्राम सभा सर, बावन टोला। देखिए ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र से आज शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 5:15 के आसपास श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि एक ज्वेलर की दुकान यहाँ चंबल घाटी जो यहाँ का स्थानीय एरिया है वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर दो लोग आए जिन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल उनको VRD मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मेरे द्वारा भी उनसे हाल लिया गया है तो उनकी स्थिति इस समय पर स्थिर है, डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा किया गया है। घटनास्थल पर जो घटनाक्रम हुआ है उस बारे में उनके परिजनों और आसपास के लोगों से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। विशेष रूप से जहाँ पर जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं, आसपास जो क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगे हैं उनके द्वारा दिखाया जा रहा है, परिजनों से इस घटना की जानकारी ली जा रही है और जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं उनसे भी इस घटना की पूरी जानकारी ली गई। इसमें कई टीम्स बना करके इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन और इसके अनावरण हेतु टीम्स को नियुक्त किया गया है और पूरी आशा कि जल्द ही हमें कि अभी जो प्रथम दृष्टि जानकारी हो रही है कि दो लोग आए थे, बाकी जो जिनके साथ घटना हुई है वो इस बारे में जो पूर्ण विवरण देंगे उस घटना से, प्लस जो हमारे यहाँ CCTV कैमराज हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जो विवरण नोट होगा तो उसमें घटना की पूरी वस्तुस्थिति और जिस तरह से घटना हुई है उसकी जानकारी होगी। हमारी टीम लग गई है और जल्द ही इस घटना का अनावरण करने हेतु सबको निर्देशित किया गया। जाम की समस्या के ठोस समाधान के लिए महानगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पहले 6-लेन फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। CM 4 दिसंबर रविवार को 429.49 करोड़ रुपए की लागत से TP नगर से पैडलेगंज तक बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 6-लेन फ्लाईओवर समेत कुल करीब 950 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महानगर में जाम की समस्या से निजात पाने तथा बाहरी हिस्से में रोड कनेक्टिविटी को और शानदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने TP नगर से पैडलेगंज तक 6-लेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। CM के निर्देश के बाद इस परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट में देवरिया बाईपास को भी 4-लेन फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। 4 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट के साथ ही मुख्यमंत्री 399.24 करोड़ रुपए से गोरखपुर उपमार्ग देवरिया बाईपास के 4-लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य तथा 67.35 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल नौकायन से देवरिया बाईपास तक 4-लेन में चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। राप्ती नदी में गिरने वाले कटनिया महवा नाले के इंटरसेप्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट से संबंधित परियोजना का शिलान्यास भी CM के हाथों होगा। इस परियोजना की लागत 53.03 करोड़ रुपए है। 4 प्रमुख परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर समान विचारधारा की सरकार देने की अपील करेंगे। 4 दिसंबर को गोरखपुर में मुख्यमंत्री का व्यस्ततम दौरा रहेगा। सुबह 10 बजे वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ अवसर पर आशीर्वचन देने के लिए मौजूद रहेंगे। 4 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे CM योगी रीजनल स्टेडियम में चल रही महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिसंबर को गीता प्रेस भी जाएंगे। वह शाम 5 बजे यहाँ आयोजित गीता जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे।
एडीजी जोन अखिल कुमार ने ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत चलाए जा रहे हर घर कैमरा अभियान पर कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत द्वितीय चरण में नागरिकों से अपील किया गया है कि आप अपने घरों पर कैमरा लगवाएं, जिसको हर घर कैमरा का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत हम लोग हर मोहल्ले में जाकर लोगों को कैमरे की उपयोगिता को बता रहे हैं कि वह अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कैमरा लगवाएं, जिसमें अच्छी प्रगति हुई है। इसके अलावा खुद कई जगहों पर फुट पेट्रोलिंग करके कैमरा लगवाने के लिए अपील किया है, जिससे लोगों ने जागरूक होकर कई जगहों पर कैमरा लगवाया है। हम लोगों का प्रयास है कि गोरखपुर जिले का शहर हर चौराहा हर घर पर कैमरा लग जाए। त्रिनेत्र एम्बेसडर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा गाँव में प्रधानों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, जिसमें अच्छी प्रगति हुई है। इसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग घरों की रिकॉर्डिंग अपने पास नहीं रख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार मांग लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया जा रहा है, जिसमें पूरे जनपद में 225 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया है। लगभग 800 कैमरे लग चुके हैं और आगे भी कैमरा लगाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि पूरे जनपद में हर घर में कैमरा लग जाए, जिससे अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो द्वितीय चरण है, इसमें हम लोगों ने सभी अपने जो नागरिकगण हैं उनसे अनुरोध किया गया था कि आप अपने घरों पे कैमरा लगाएं। हर घर कैमरा इस अभियान का नाम लिखा है हम लोगों ने, और इस अभियान के तहत हम कैमरा क्यों उपयोगी है इस विषय में जाकर नागरिकों को सजगता करते हैं, बताते हैं, ब्रीफ करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के हेतु वो कैमरा लगवाएं। इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति है और कई स्थानों पर मैंने फुट पेट्रोलिंग करके खुद ही लोगों नागरिकों से संवाद किया है और कई स्थान पर लोगों ने लगा भी लिए हैं। इस अभियान को हम लगातार जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि गोरखपुर का हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहा पे कैमरा लग जाए। जो त्रिनेत्र एम्बेसडर हैं और प्रधानों के माध्यमों से करीब गोरखपुर जनपद में अच्छी क्वालिटी के कैमरे, जो हर घर कैमरा है उसमें कोई हम लोग ने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, ना हम उसका कोई रिकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे। वो व्यक्तिगत होगा लोगों का, ज़रूरत पड़ने से उन्हें अनुरोध किया जाएगा उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उनसे प्राप्त करने की। परंतु जो कुछ कैमरे जो हाई क्वालिटी के कैमरे हैं वो हम हमारे त्रिनेत्र एम्बेसडर जिनको कह रहे हैं जो चौराहों पर अपने निजी व्यय से लगवा रहे हैं, ऐसे करीब पूरे जनपद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के करीब 225 चौराहों के ऊपर संख्या पहुंच गई है और करीब 800 के आसपास कैमरे लग चुके हैं और वो लगातार संख्या ऊपर की ओर जा रही है। तो ये त्रिनेत्र एम्बेसडर्स जो चौराहे पे लगा रहे हैं और हर घर कैमरा में जो लोग अपने निजी घर में लगा रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से हमारा प्रयास है कि पूरे गोरखपुर जनपद को हम इस प्रकार से कवर कर लें कि कोई भी आदमी यहाँ से जब निकलेगा तो इस नेटवर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये चीज़ हम जिस दिन करने में सफल हो जाएंगे तो यहाँ पर अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि बड़े अपराध तो खत्म हो गए, ये छोटे अपराध रोकने में भी हमें मदद मिलेगी, जिसमें चोरी, छोटी मोटी छिनैती होती है वो भी रोक लग जाएगी और उसमें काफ़ी कमी भी आई है जब से ये कैमरे जो क्रियाशील हो गए हैं हमारे लग गए हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर जनपद में जो छोटी मोटी अपराध थे उसमें भी काफ़ी कमी परिलक्षित हो रही है और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। तो इस अभियान को हम लोग लगातार जारी रखेंगे और जनता से भी सहयोग करने की अपेक्षा करेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संबंधित विभागों के साथ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में चिन्हित 10 ब्लैक स्पॉट्स को 10 दिनों के अंदर सुरक्षात्मक कार्रवाई करे तथा प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी महीना कोहरे का महीना है, जिसमें काफी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए रिफ्लेक्टर हाईवे पेट्रोलिंग को बढ़ावा दिया जाए, उसी संबंध में बैठक की गई है। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, आरटीओ अनीता सिंह, एआरटीओ संजय झा, एआरएम महेश चंद्र, बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा,
सचिव कौन है? आप ही हो? अच्छा ठीक है, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। 15/6/2022 को हुआ, उसके बाद शासन का एक पत्र निर्गत हुआ जिसमें PWD को नोडल विभाग नामित किया गया, जिनको सचिव नामित किया गया। मेरे साथ से आपके निर्देश पर मिला, उनको आपने सदस्य सचिव नामित किया, आपने कहा कि आपकी बैठक करा लें, तत्क्रम में सभी बैठक की जा रही है। सर 15/6 को जो बैठक हुई थी उसमें कुल 16 ब्लैक हुए हैं सर, काम शॉर्ट टर्म मेजर्स तो कुछ लिए गए हैं लेकिन सर वो बाकी नहीं। पहले तो 938 का रोड है वो, क्या है वहाँ इशू? वहाँ सर जो चौराहा है सर, वो चौराहा काफी कंजेस्टेड है और सर बनारस की तरफ से जो ट्रैफिक आती है तो प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती जी, ये दिक्कत है सर। दूसरा हमारे सिक्स लेन के प्रोजेक्ट में जो सुधारी कम का है इशू जी, स्ट्रैटेजी बनाया जो सर ये साइड में जो इंफोर्टमेंट वगैरह उसको हटा देंगे और वो लग जाए एटलीस्ट, लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कुछ रोड मिल रही है या कुछ है, रोड में सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा पोस्ट आता है उसके हमेशा ब्लिंक करता रहता है, ये तो कराई ब्लिंकर पोस्ट लगा आपका है ना तो लगवा लीजिए। नीचे हमने स्पीड रिडक्शन मेजर लिया हुआ है और इवन लाइट की पूरी व्यवस्था हो गई है सर वहाँ पे, और साथ या ऊपर से जो उतरती है तो वो जब ऊपर से उतर रही है इधर से जा रही है लखनऊ तरफ से आ रही है तो वहाँ सर अक्सर पलट जा रही है, महीने में एक बार तो पलट नहीं जा रही है सर। तो उस चौराहे पे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी कि स्पीड लिमिट बढ़ा दी गई, कुछ कर दिया, सुपर एलिवेशन बहुत जीरो है, उससे क्या है कि जो हैवी गाड़ी आती है टर्न करती है तो वो अपने जिस डायरेक्शन को झुकना चाहिए मतलब झुक के बैठ रहती है उल्टी झुकती है वो टर्न होती है, तो आपका इसका प्रयास हम लोग भी दे सकते हैं तो मतलब कि उसको सुपरविजन दे दीजिए उसको। तीसरा पॉइंट यहाँ सर जो टी बन रहा है तो उस पर रंबल स्ट्रिप वगैरह लग जाएंगे, किसका है ये स्पीड टेबल हो रहा है ये रंबल स्टीप बन जाए ठीक है। अगला है सर ये कसरौल, कसरौल में सर ब्रिज उगा हुआ है साइड पट्टी रेलना पड़ता है ऊपर मैनेज पे तो रेलना पड़ता है पट्टी में इसका है आपके यहाँ तो रेगुलर होता है मैनेज पे तो रेगुलर होता है कुछ कटिंग होता है। मत संख्या 10 पर है धर्मशाला सड़क पर जहाँ डिवाइडर के मध्य पैच है इस कारण जहाँ जाम लग रहा है उसको हटाने के संबंध में सर। पैच आप क्या चाह रहे हैं हट जाए? हाँ जो पैच है सर मध्य में जो पैच है सर जो विशेष व्यक्तियों के आवागमन के बेसिकली ये रोड सेफ्टी के संबंध में था, तो जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित हैं एक तो उस पर सारे डिस्कशंस हुए, 10 दिन के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म मेजर से उसको रिजॉल्व करा लेंगे। सेकंड जो इशू है कि क्योंकि अगला महीना कोहरा का महीना है तो इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसको लेके जो रिफ्लेक्टर्स है जो हाईवे पेट्रोलिंग्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए और एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ किया जाए, एक हर एक दिन प्रेशियस है तो उस पर हम लोग इमिडिएटली कार्रवाई हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। गोरखपुर जोन में हिस्ट्री सीटरों का पुलिस सत्यापन कर रही है, जिसके संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद के हिस्ट्री सीटरों का सत्यापन किया जा रहा है जो कि समय समय पर नियमित रूप से किया जाता है, जिसका समय समय पर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। लेकिन हिस्ट्री सीट में एक प्रावधान है कि अगर कोई हिस्ट्री सीटर 2 वर्षों तक कोई अपराध नहीं करता है तो SP उसके हिस्ट्री सीट को खत्म कर सकता है, लेकिन इसमें देखा जाए कि इन 2 वर्षों के बीच में वह किसी अपराध में शामिल ना हो, इसलिए यदि कोई हिस्ट्री सीटर अपने हिस्ट्री सीट को खत्म करना चाहता है तो अपने थाना अध्यक्ष व SP से संपर्क कर सकता है, उनके अच्छे आचरण को देखते हुए पुलिस हिस्ट्री सीट को खत्म करने पर विचार करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए हिस्ट्री शीट का सत्यापन कोई नई प्रक्रिया नहीं है, हिस्ट्री शीट का सत्यापन नियमित रूप से करने का प्रावधान हमारे विभाग के अपनी स्थापित प्रक्रियाओं में पहले से दी गई है और ये कार्य सतत चलता रहता है और लगातार हम लोग इसको
मॉनिटर भी करते हैं और अपने जो बीट पुलिस सिस्टम उसके तहत इसका सत्यापन भी करते रहते हैं। जहाँ तक अच्छे कार्य की बात है, हिस्ट्री शीट में प्रावधान है कि हर एक दो वर्ष में ऐसे हिस्ट्री शीटर, खास करके HS जो हिस्ट्री शीट ए है, उनके रिव्यू किया जाए और अगर उनमें कोई अपराध या उनकी सक्रियता नहीं पाई जाए तो संबंधित पुलिस अधीक्षक उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो हम लोग इनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को जो अपनी हिस्ट्री शीट बंद कराना चाहते हैं, अपने अच्छे आचरण को अपने पुलिस अधीक्षकों से मिले, अपने बीट पुलिस ऑफिसर BSHO से मिलकर अनुरोध कर सकते हैं वो भी अपने लेवल से, और उस पर हम लोग सकारात्मक रूप से जरूर विचार करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दो अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर सर्राफा व्यापारी राजेश गुप्ता को मारी गोली। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। SSP ने कहा घटना के खुलासा के लिए बनाई गई हैं कई टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। CM योगी के हाथों मिलेगा शहर को पहले 6-लेन फ्लाईओवर का तोहफा। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से TP नगर से पैडलेगंज तक बनेगा फ्लाईओवर। जाम की समस्या का होगा समाधान। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत सभी नागरिक अपने घरों पर लगाएं कैमरा। ADG जोन अखिल कुमार ने कहा हर घर कैमरा लगाने के लिए मौके पर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक, बताया जा रहा है कैमरे की उपयोगिता। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। संपन्न ने कहा जनपद में चिन्हित 10 ब्लैक स्पॉट्स को 10 दिनों के अंदर दुरुस्त करने का संबंधित विभागों को दिया गया निर्देश। गोरखपुर जोन पुलिस हिस्ट्री शीटरों का कर रही है सत्यापन। 2 वर्ष तक अपराध ना करने वाले अच्छे आचरण वाले अपराधियों के हिस्ट्री शीट को पुलिस खत्म करने पर करेगी विचार। ADG जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए कुल 6 मैच। जिला क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने दी जानकारी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 112 चौराहों पर CCTV कैमरा लगवाने वाले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को ADG जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। ADG ने कहा कैमरों से अपराध पर लगेगा विराम, अपराधियों में अपराध करते समय डर रहेगा व्याप्त। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 4 दिसंबर को होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की वजह से 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सभी वाहनों के रूट को किया गया डायवर्ट। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। महिला थाने का ADG जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कार्यालय बैरक हेल्प डेस्क का लिया जायजा। ADG जोन ने SSP को महिला थाने पर काउंसलर बढ़ाने के दिए निर्देश। और भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे उद्घाटन। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा संस्थापक सप्ताह समारोह। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 10 दिसंबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। MP कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 6 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच हरियाणा बनाम राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा ने राजस्थान को 3 अंकों से पराजित किया। दूसरा मैच उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को 9 अंकों से पराजित किया। तीसरा मैच आर्मी ग्रीन और बागपत के बीच खेला गया, जिसमें आर्मी ग्रीन ने बागपत को 6 अंकों से पराजित किया। चौथा मैच जाट रेजिमेंट और हरियाणा के बीच खेला गया, जाट रेजिमेंट ने हरियाणा को 46-41 अंकों से पराजित किया। पांचवें में रेड आर्मी और राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें रेड आर्मी ने राजस्थान को 56-26 अंकों से पराजित किया। छठवां मैच उत्तर प्रदेश और सोनीपत के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सोनीपत को 26 अंकों से पराजित किया। इस अवसर पर सुरेश कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार अकरम, विनोद कुमार यादव, अनिल सिंह,
मनीष राय, मनोज कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह सहित अन्य खिलाड़ी एवं कोच मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा। यहाँ पे आ जाइए। और अब बेहतरीन बचाव करते हैं और बेहतरीन टैकल देते हैं। जानते हैं अगर बोनस प्लस वन देते रहे लगातार तो वो सूर्य रेड सूर्य 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 रेड ये चतुर्थ ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो ऑल इंडिया लेवल का होता है। इसमें आज हमारे लीग मैचेस हो रहे हैं, इसमें 12 सर्वश्रेष्ठ भारत की जो हैं वो टीमें भाग ले रही हैं। इसमें अभी जो मैचेस चल रहे हैं वो अभी देखिए, राजस्थान का मैच हुआ, हरियाणा का हुआ है और आर्मी का हुआ है, अभी साई सोनीपत है और उत्तर प्रदेश की टीम के मैचेस चल रहे हैं। और इसके अब कल से हमारे सेमीफाइनल्स स्टार्ट होंगे जो परसों तक सेमीफाइनल दोपहर तक चलेंगे और 4 तारीख को फाइनल मैच होगा 2 बजे। इस तरह से इसमें कैश प्राइज है, इसमें 2 लाख रुपया फर्स्ट, 1 लाख रुपया सेकेंड और 50,000 रुपये के 3 प्राइजेज जो हैं इसमें, ट्रॉफी और मेडल सारे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट खिलाड़ियों को और इस गोरखपुर के जनता को देखने के लिए मिलता है और इसमें बहुत सारे प्रो कबड्डी के और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भाग लेते हैं। तो हम एक कबड्डी जो प्रो कबड्डी के प्लेयर्स हैं
वो विशेष रूप से आते हैं और उनका जो आर्ट और कौशल है उनको यहाँ के लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जनपद के लिए। मैं सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 112 चौराहों पर कैमरा लगवाने वाले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद में जब ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जनपद के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध किया था कि वह अपने अपने क्षेत्र में व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिसमें 50 से अधिक चौराहों पर शहर के सम्मानित नागरिकों ने आगे आकर कैमरा लगवाया, जिससे महानगर के अधिक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लग पाया और अपराध पर अंकुश लगाया जा सका। जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंडलायुक्त के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जिसके बाद डीपीआरओ के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने अच्छा कार्य किया और प्रधानों को जागरूक करके ग्रामीण क्षेत्रों में 112 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया, जिससे लोग जागरूक होकर अपने अपने गाँव में कैमरा लगवा रहे हैं। अब हर घर कैमरा का अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही हर घर को हम लोग कैमरे से कवर कर लेंगे, जिससे अपराध पर पूरी तरह से विराम लगेगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैन श्याम देव बिंद, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अब ओपन कर दिया कि हर गांव में एक जगह होना चाहिए। सर आप ऐसे बता दें, एक चिट्ठी भेज देंगे हर गांव में एक चौराहा भेज देता हूँ, हर हर जगह लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये लोकेशन चेंज होता रहता है, वो चेंज हो जाता है। ये हमारा मेन बॉल है, आईजीएल ने स्पॉन्सर किया, उसी के नाम से इसका नाम रखा आईजीएल। आओ भाई आओ, लाइए लाइए भाई। एक तो सर ये थोड़ा बता दें इनको, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए अपने त्रिनेत्र कंट्रोल रूम में, हमारे मध्य गोरखपुर मंडल के कमिश्नर श्री एनजी रवि जी भी हैं। मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिनेत्र ने सेंचुरी मार ली है और उस 100 से ज़्यादा स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में कैमरे लग गए हैं और इसका श्रेय डीपीआरओ साहब और उनकी टीम को जाता है। आज जो टीम है यहाँ उपस्थित है उन्हीं को कमिश्नर साहब ने सहर्ष स्वीकार किया आमंत्रण को, क्योंकि ये पूरी जो देहात क्षेत्र में योजना है कि कमिश्नर साहब की ये साथ मिल के प्लान की गई थी और उन्होंने ही इसको नेतृत्व दिया था। आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, उसमें सभी ग्रामीण भाई आए थे और कमिश्नर साहब ने उनको मोटिवेट किया और उनको बताया कैसे लगना है।
तो उस माइलस्टोन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, और उसी क्रम में मैं बारी बारी से नाम बुलाऊंगा और वो लोग उपस्थित होंगे, उसको कमिश्नर साहब आज प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम बुलाते हैं गौरी राम में एडीओ है, सबसे पहले संजय जी ने सर तेजी लाई इस अभियान को, अपने आप ब्लॉक में तेजी कराया। आइए मनोज जी, ये सर वो एडियोज हैं जिन्होंने पूरे जनपद में लीडरशिप दी अपने तेजी से अपने काम की। कहानी ये है कि हतोत्साहित हो गए थे कि सब हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर 10 दिन में इन्होंने परिवर्तन करके सारी जगह लगवा दिया। मटट की हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक और अच्छे कामों में रहा। आप करीब आज जब त्रिनेत्र अभियान शुरू हुआ तो शुरुआती प्रथम चरण में हम लोगों ने शहर में अच्छे सांभ्रांत नागरिकों से रिक्वेस्ट की थी, और प्रथम चरण में करीब 50 से ज़्यादा चौराहों पर शहर के अच्छे नागरिक आगे आए और इन कैमरों को लगवाए थे। ये प्रमुख चौराहों को उन्होंने कवर किया और एक अपना एक मुश्त धनराशि उन्होंने सीधे वेंडर्स को दिए थे, और जिससे ये कैमरा क्रियाशील हो गए। उस तरफ हम लोगों ने फिर इसको सोचा क्यों नहीं देहात की ओर जाएं, और उस वक्त कमिश्नर साहब के साथ हम लोगों ने बैठे और इस योजना को देहात में कैसे ले जाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ, और आज हमारे बीच में कमिश्नर साहब हैं, पंचायती राज विभाग के DPRO यहाँ पे हैं। इन सभी ने एक टीम बन के हम लोगों ने ये योजना को ग्रामीण क्षेत्र में ले गया, जहाँ प्रधानों ने फिर इस कार्यक्रम को नेतृत्व दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंड को हम लोग ने लिवरेज किया है, और आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ऊपर आज 112 लोकेशन पर ये कैमरे लग चुके हैं चौराहों पे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अब ये त्रिनेत्र तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग ने हर घर कैमरा भी अब इसमें जोड़ दिया, जिसमें लोग अपने घर में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी घर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जल्द ही हम गोरखपुर का हर इंच, हर चौराहा, हर नुक्कड़ कवर कर लेंगे, और गोरखपुर में छोटे मोटे भी अपराध करना अपराधियों के लिए दुर्भर होगा। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 4 दिसंबर को होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के अवसर पर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सभी वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा, तथा पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर तिराहे की तरफ से आने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, केवल रैली में आने वाले वाहनों की अनुमति रहेगी, तथा पैडलेगंज से नौकायन के तरफ भी केवल रैली वाहन की अनुमति रहेगी। रूट डायवर्जन दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो सभी बस चंपा देवी पार्क में और चार पहिया वाहन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ खड़ी होगी, तथा महंत दिग्विजय नाथ पार्क के पीछे सभी दो पहिया वाहन खड़ी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 4 दिसंबर को होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो कि महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित हो रहा है, उसमें वाहनों के पार्किंग और आने की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि ट्रांसफार्मर तिराहे की तरफ से केवल रैली में प्रबुद्ध जनों के जो आने वाले वाहन हैं केवल उन्हीं की अनुमति है। इसी प्रकार पैडलेगंज से नौकायन की तरफ जाने के लिए भी सिर्फ उन्हीं वाहनों की अनुमति है जो प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। यह रेस्ट्रिक्शन का समय दिन में 12 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति जो कि लगभग 6 बजे तक रहेगा, तो 6 बजे तक सभी प्रकार के वाहन उस एरिया में प्रतिबंधित हैं, सिवाय प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं को छोड़कर, और प्रबुद्धजनों के और कार्यकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था चंपा देवी पार्क में सभी प्रकार की बसों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के चारों तरफ 4-व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और दिग्विजयनाथ पार्क के पीछे की तरफ जो 2-व्हीलर पार्किंग है उसमें 2-व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी से अनुरोध है कि यातायात व्यवस्था में
सहयोग करें और अननेसेसरी किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए इस डायवर्जन को और पार्किंग को ध्यान में रखते हुए भी अपना जर्नी प्लान बनाएं। थैंक यू। एडीजी जोन अखिल कुमार ने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद के महिला थाने के कार्यालय बैरक हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया है, जिसमें काउंसलर की कमियां पाई गई है, जिसको देखते हुए एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि महिला थाने पर काउंसलर की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि महिला थाना एक महत्वपूर्ण थाना है जहां पर अधिकतर पारिवारिक मामले आते हैं। काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को टूटने से बचाया जाता है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है, जिसके लिए यूपी पुलिस कार्य कर रही है। प्रयास है कि महिलाओं को किसी तरह की समस्या ना हो और वह सुरक्षित बिना डर भय के कहीं भी आ जा सके, जिसको देखते हुए महिला थाने को निर्देश दिया गया है कि कोई भी परिवार ना टूटे, अच्छे से काउंसलिंग किया जाए, इसके लिए जो भी कदम हो उठाया जाए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, महिला थाना प्रभारी प्रभा, उप निरीक्षक अनुप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, ये भी छोटी एक कोई यहाँ एक परिवार परामर्श केंद्र बना प्रतिदिन कभी भेज सकता है, परिवार परामर्श केंद्र में ये यहाँ पे सर कैमरे सही कनेक्शन पे कैमरे जो है वो वाले चल रहे हैं। सही आया था भाई, यहाँ पे जो भी दो इनका चल रहा है महिला धन ये अपने खुद से करता हूँ, भुगतान साफ करते हैं तभी एफ आई आर होता है। स्वतंत्रता है ये मीडिया कराते हैं विवेचना और बगल आप लोग बात करते हैं या काउंसलर बात करते हैं? काउंसलर से सर हम लोग पूछते हैं इनका मामला क्या, बाकी काउंसलर करते हैं। काउंसलर हर दिन ही आते हैं? नहीं आते हैं सर, हफ्ते में दो दिन हो गया है। अच्छा, काउंसलर कम है क्या? नहीं, काउंसलर तो अधिक है सर, एक तो रोज रेगुलर होता था। यहाँ रोज अलग आदमी आ रहा है, यहाँ पे निस्तारण से फास्ट होता था, निस्तारण फास्ट होता था, इसको कल रात उठाया गया था, उसको रिजोल्व करेंगे। काउंसलर है बट उनको कह दिया दो ही दिन बैठने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आदेश है सर, ये जैसे आदेश है ये मेरा किया हुआ है, परिवार परामर्श केंद्र फॉर इफेक्टिव मीडिएशन इनको बुलाया है। समझ गया, अब यहाँ ओनली पीपीके में सीधे नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे ये लोग पहले प्रयास करते हैं, यहाँ पे सीधे नहीं आ सकते हैं ना, यहाँ आदेश से होगा तो ही ये मीडिएशन करेंगे। अच्छा, सीधे तो नहीं ले, महिला थाने में आ सकते हैं, सीधे मीडिएशन करा सकते हैं। नंबर वन काउंसलर अगर और विलिंग है और अच्छे काउंसलर। देखिए, महिला आज महिला थाने पे हम लोग गए और महिला थाने के फंक्शनिंग का थोड़ा मुआयना किया गया, उनसे बातचीत की गई, परिवार परामर्श केंद्र के बारे में चर्चा हुई, कुछ कठिनाइयां और कमियां पाई गई हैं, उस संबंध में हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैं आवश्यक सुझाव दूंगा ताकि उसमें सुधार कर सके। अच्छे ढंग से चल रहा है सीसीटीवी भी, ये जो त्रिनेत्र अभियान में हम लोग बाहर लगा रहे हैं, महिला थाने में भी लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण अंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है कि हम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाए, उनकी कोई समस्या ना आ पाए और वो सुरक्षित महसूस करे। इसी क्रम में महिला थाना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और वो अच्छे ढंग से अदा कर सके और कर भी रहे और अच्छा कर सके, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। काउंसलर को बढ़ाने के लिए हमने कुछ हमने बताया, कुछ निर्देश दिए हैं कि अगर आवश्यक है तो काउंसलर बढ़ाए जाएँ, उनके नंबर ऑफ सिटिंग बढ़ाए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए महिला संबंधी अपराध में बहुत सारे परिवार जुड़ा होता है
और परिवार ना टूटे हमारे समाज में, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम फौजदारी से पहले ये प्रयास करें कि परिवार ना टूटे, आपस में लोग मिलजुल के रह सकें, इसलिए परिवार के परामर्श केंद्रों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम लोग और सजग और सक्रिय कैसे बनाए, इस पर प्रयास किए जाए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन 4 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। इस समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे तथा मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा इस सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया जाएगा तथा 10 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समापन किया जाएगा, जिसको देखते हुए शुक्रवार को NCC छात्र एवं कॉलेज के छात्रों द्वारा परेड रिहर्सल किया गया तथा पूरे महाराणा प्रताप कॉलेज कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश्वर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 4 दिसंबर को होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज ग्राउंड का शुक्रवार को निरीक्षण किया तथा जायजा लिया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 विद्यार्थी एवं 2,000 शिक्षक एवं कर्मचारी सम्मिलित होंगे। यह संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विद्यालय अपने बच्चों के साथ 75-75 की टोली में इस समारोह में प्रतिभाग करेंगे और 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह शोभा यात्रा दिग्विजयनाथ PG कॉलेज से निकलकर इंद्राबाल विहार, गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा होते हुए वापस स्वर्ण जयंती द्वार से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तैयारी आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, ADM City विनीत कुमार सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, कचहरी से नहीं जाएंगे यहाँ, क्या रहता है उनका कुछ रहता है सर यहाँ पे भेजा है जो मतलब। हेलो, ठीक है, फोटो सेंटर से इसके हम ले लेंगे। हाँ, इधर से नहीं, पिछली बार नहीं, इधर से ही है। यहाँ पर हमारा जो है ये क्या बोलना, ये यहाँ से स्टेज पर इस चीज को बारीकी से नजर रहे, हाथ पैर हिलने वाले ऐसे होते हुए जाओ। Time out!
ये देखो इसको कैसे चलाएंगे डब्बा वाला ये नहीं बढ़िया से अब फिर आकर के वो आप कैमरे के बारे में पहमूड वो सुन लो आप पानी यहाँ पर पीने का प्रयास प्रयास ये रहेगा कि जो है आप में शुभ लिंटेड मुल्का दिमाग जी और अजय कुमार सिंह जी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा जो है संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगन में 4 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारा संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक चलता है। 4 को उद्घाटन सत्र है जिसमें पर विभिन्न विद्यालय अपने बच्चों के साथ 75-75 की टोली में पथ संचलन में प्रतिभाग करेंगे और फिर 5 तारीख से लगाए 9 तारीख तक विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी के अंतर्गत 2 स्टेट लेवल की जो है क्रीड़ा प्रतियोगिता भी है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का जो इसी क्रीड़ांगन में होना है और जो 4 दिसंबर का उद्घाटन है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में एयर चीफ मार्शल अवकाश प्राप्त AKS भदौरिया जी हैं और 10 दिसंबर में हमारे लोकसभा के स्पीकर चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे। उद्घाटन सर किसके माध्यम से हाँ उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में जो है RKS भदौरिया जी जो एक्स एयर चीफ मार्शल हैं और अध्यक्षता दोनों दिन पूज्य महाराज जी करेंगे। सर कितनी संख्या में बच्चे पूरे कैंपस में लगभग 10,000 की संख्या रहेगी बच्चों की। रैली यहाँ से निकल कर दुग्विजयनाथ गेट से निकलते हुए इंद्राबाल बिहार फिर आगे जो है एस्परा वाले तिराहा से होते हुए गणेश चौराहा से होकर के कचहरी चौराहा आएगी और कचहरी चौराहा से घूम करके फिर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के स्वर्ण जयंती द्वार से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगन में जो है रैली आकर के समाप्त होगी। सर अभी अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। हाँ तो इसमें अभी DM साहब आए थे SPCT और ADM साहब ये लोग विजिट करके तैयारी की समीक्षा करके गए हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर सर्राफा व्यापारी राजेश गुप्ता को मारी गोली। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। SSP ने कहा घटना के खुलासा के लिए बनाई गई है कई टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। CM योगी के हाथों मिलेगा शहर को पहले 6 लेन फ्लाईओवर का तोहफा। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से TP नगर से पैडलीगंज तक बनेगा फ्लाईओवर। जाम की समस्या का होगा समाधान। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री 950 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ऑपरेशन ट्रिनेटर अभियान के तहत सभी नागरिक अपने घरों पर लगाएं कैमरा। ADG जोन अखिल कुमार ने कहा हर घर कैमरा लगाने के लिए मौके पर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक, बताया जा रहा है कैमरे की उपयोगिता।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। संपन्न ने कहा, जनपद में चिन्हित 10 ब्लैक स्पॉट्स को 10 दिनों के अंदर दुरुस्त करने का संबंधित विभागों को दिया गया निर्देश। गोरखपुर जोन पुलिस हिस्ट्री शीटरों का कर रही है सत्यापन। 2 वर्ष तक अपराध न करने वाले अच्छे आचरण वाले अपराधियों के हिस्ट्री शीट को पुलिस खत्म करने पर करेगी विचार। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए कुल 6 मैच जिला क्रीडा अधिकारी आले हैदर ने दी जानकारी। ऑपरेशन ट्रेनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 112 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एडीजी ने कहा, कैमरों से अपराध पर लगेगा विराम, अपराधियों में अपराध करते समय डर रहेगा व्याप्त। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 4 दिसंबर को होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की वजह से 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सभी वाहनों के रूट को किया गया डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। महिला थाने का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया औचक निरीक्षण। कार्यालय बैरक हेल्प डेस्क का लिया जायजा। एडीजी जोन ने एसएसपी को महिला थाने पर काउंसलर बढ़ाने के दिए निर्देश। और भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया करेंगे उद्घाटन। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा संस्थापक सप्ताह समारोह। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 10 दिसंबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एमपी कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।